बाहर कितने कैंडिडेट बैठे हैं इंटरव्यू के लिए? एक ही जनो बैठो मैडम बस से। ओके जाओ और उनको ही अंदर भेजो, ठीक है? ठीक है मैडम, जा रहा हूँ। वाला भेजा तू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देखे तो कछु ना रहो, मेरी आँख ही ऐसी है। जाओ तो नंबर हुआ तो उन्हें मैडम बुला रही है भीतर इंटरव्यू के लिए। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। सुनो, इंग्लिश में पूछेगा नहीं हो मैडम थे भीतर। ठीक है भाई साहब, जो तुमने खूब बता दी। कैन आई अंदर मैडम? व्हाट, क्या बोला तुमने? जी बोलो, मैंने कैन आई अंदर मैडम कहा है। वसो गलत बोल दो मैंने कछु। एक तो तुम अंदर आ गए हो, ऊपर से परमिशन मांग रहे हो, और वो भी इस तरीके से। मैडम हमारे स्कूल में हम तो सज्जन थे, ऐसे ही पूछे थे तभी कह देते आ जाओ अंदर। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास तक पढ़े हो तुम? मैडम बाहर बोल देते ठाड़ो, अब भीतर आए हो तो तुम ठाड़े लागे रहेंगे। ठाड़े ठाड़े वो तो पाए कप कप आए रहे हैं। बैठे के बता दूँ? ओके बैठ जाओ। अब पूछ लो मैडम जो कुछ पूछना हो तुमने। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? नौकरी करने आए हैं। अच्छा ये बताओ तुम कौन सी क्लास तक पढ़े हो? आठवीं तक पढ़ाऊँ मैडम। हम आपको जो काम देंगे वो कर लोगे? काम करने आए हैं, करेंगे क्यों नहीं। हम आपको सफाई करने का काम देंगे, कर लोगे? जिका बात कर दी मैडम तुमने। मैंने आज तक अपनी बहसने के नीचे जा रहा नहीं, अपने आदन से कभी गोबर भरो नहीं, भरे भराए तसला डाल के जाता बस में। और तुम एक यहाँ साफ करे बात कर रही है, मुझे ना करनी तुम्हारी नौकरी। नहीं करनी तो क्यों है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। जाए तो रहूँ, ऐसे खाई भी काम पर रही है। चरणदास इसको यहाँ से बाहर भेजो। बितकू का देख रहा है जी, आखिर न मन न टेरे। जा यहाँ ते कर ली तेरी नौकरी। जा रहा हूँ बेटा, तो ज्यादा रुपया कमाऊंगा देख लियो। हाँ ठीक है भैया, जा बन जाइयो तू टाटा बिल्ला। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं वो मैडम। मोते सफाई करवे की कह रही हैं। अब्बा मैडम के जैसे 50 साहब करेंगे और डॉक्टर साहब के करेंगे पूरे दिन। मैंने अब अपना क्लिनिक खोल लो है, यहाँ को सो इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कुल 300 रुपया में इलाज करवाऊँ, और अगर इलाज नहीं हो तो मुँह पे 1000 रुपया नकद ले जाऊँ। जिका लिख रही है 300 रुपया में इलाज कराऊँ, अगर इलाज नहीं हो तो 1000 रुपया ले जाओ। है जिको बढ़िया काम है रे चरणदास, यही मौका हो 1000 रुपया छापे को। चल यार डॉक्टर के जोरे जितोरे भुई मोड़ा है ते नौकरी के लिए आओ और दल करा देगा बजा दो। खैर मुहे का करना, मुहे तो 1000 रुपया ते मतलब है, चाहे जे देवे चाहे को और देवे। जे तो सर शुरू से चूतिया रहो है। डॉक्टर साहब राम राम। अरे तुम तो वही है ते वादर ऑफिस में मिले गए। हाँ हम वही हैं। चलो बढ़िया है, को अपन ग्राहक आया हुआ है। चलो यार टेबल पे बैठ जाओ। अब बताओ क्या परेशानी है तुमने? साहब परेशानी बड़ी बिकट है, मैं कोई चीज खाऊं कोई चीज पीऊं बाको स्वाद भी ना आवत। मेरी जी जीव अतका है कहू स्वाद है ना चख पैरी। बस इतनी सी बात है, जागो था वाले राज तू नर्स 22 नंबर के डिब्बा में थे दवाई लिया ओरिजिनल प्या दो। जी डॉक्टर अभी लाती हूँ। डॉक्टर साहब मैं दवाई ले आई। ले आई तो जो मैं प्या दो मोदे का क्या नहीं है। ठीक है भैया, मेरे जो नर्स है डंकिनी पे साचनी सी, जहरो पैरों नहीं छोड़े दे वजह कौन दवाई में। चलिए मैं आपको दवा खिलाती हूँ, अभी आप ठीक हो जाओगे। ये लीजिए इसे पी लो। जिको दवाई है जी तो पेट्रोल है, ऐसे ही इलाज करते हैं तुम तो मारे फिर रहे आदमी ने। तो अब इलाज होएगा टेंशन मत ले, लाऊंगा फटाफट 300 रुपये निकाल लियो। मैं कह के 300 रुपये दे दूं? अरे भैया तुम अब इलाज करोगे ताकि तुमने वाला अपनी परेशानी बताई क्या नहीं? तुमने कौन चीज को खाए को पीवे को स्वाद तो नहीं आ रो? अब देख लो यहाँ आओ तो कह तुमने हाल बताया भाई कि जी तो पेट्रोल है, स्वाद पता पड़ेगी क्या नहीं? जे तो रे मोहिया चूना लग गो। सही कह रहे हैं तुम डॉक्टर साहब, मैं सही है वो ले अपने 300 रुपया। फिर को तकलीफ होए तो बेझिझक आ जाएंगे। आऊंगो जरूर आऊंगो। जा डॉक्टर पे थे मुझे अपने 300 रुपया निकालने, अब की ऐसी बीमारी बताऊंगो ताको बाप इलाज भी नहीं हुए। डॉक्टर साहब राम राम।
राम राम सा राम राम सा। तुमने एक बीमारी ठीक करी तो नु दूसरी है गई। हम तो सब बीमारी नु इलाज करेवे, बताओ हम का है वो। चलो पहले वहाँ टेबल पर बैठ जाओ, अब बताओ क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त तत्काल कमजोर रह गई है, वो कचूची याद ही ना रहते। जाको इलाज बता। अब हाल सही होता, टेंशन मत ले। नर्स बाईस नंबर के डिब्बा में थे, बस दवाइयाँ निकाल के तीन ढक्कन प्याज हो जाना। डॉक्टर साहब मैं ना पी रहा दवाई है, वो दवाई तो बात ही है जवान की, ऐसा कहूँ मतलब स्वाद ना आ तो बात स्वाद आया तो है। मुबारक हो तुम ठीक है गए, तुम्हें याददाश्त लौट आई है। अब लाओ 300 रुपये दे दो। मैं ठीक कैसे है वो? एक बात बताऊँ, अब हाल तुमने मुँह न्यो कही कि मुझे याददाश्त कमजोर रह गई है, मुझे कछु याद ना रहे, तो अब तुमने जी कैसे याद आएगी कि वह डिब्बा में तो वैसी वो जवान वाली दवाई रखी है। मरे गए सारे हो, फिर लग गो 300 को चूना। ले डॉक्टर साहब अपने 300 रुपया। कोई तकलीफ हो तो फिर आ जाइयो। आवेंगो डॉक्टर, अब की तेजी ऐसी तैसी करनी है वो सारे, अब की सही करके बताइयो। अब की जा झूरेंगे वो अलग और पैसा ले लेंगे वो अलग। डॉक्टर साहब मुँह दिख ना रहा हो, मैं आके न सही कर दे। चलो वहाँ टेबल पर बैठ जाओ। अब प्या बेटा कौन सा सिरप प्या गो मैं तू, अब की तो 1000 रुपया तो उनटे मुँह देगो। भाई साहब आँखें को मन पर कोई इलाज ना आता, ले तुम 1000 रुपया ले। मैंने तो पहले ही कह दी, अब की सारे तो ये देने उनटे रुपया। लो अपने 1000 रुपये। जी 1000 कहें जी, तो 500 ही है। मुबारक हो तुमने दीख भी लग गो। भाई साहब तुम्हारी आँखें सही है, तुमने 500 का नोट पहचान लो। लाओ साहब हमारे 300 रुपये दे दो। मरे गए रे जा, डॉक्टर ने तो भैया नंगा कर फेंक दो, ये तो बड़ा बदमाश ने करो। अब कबू लालच में नहीं आऊंगो। ले डॉक्टर साहब अपने 300 रुपया। रोए काय को रहे हैं, अब तो तुम सही है गए, तुम्हारी आँखें सही है गई, अब तुम रो रहे हैं। अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।